हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों? जब भी कोई जैसे अगर हम मिरर की बात करें या किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट फॉल होती है तो मोस्ट ऑफ लाइट क्या होती है, वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। और इसी रिफ्लेक्शन की वजह से बच्चों हर एक अपने आसपास की जो ऑब्जेक्ट है उनको हम देख पाते हैं, और जहां से लाइट निकलती है उसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जो लाइट को एमिट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे सन होता है, ठीक है, जैसे ये सन है और ये सन रेज है, ठीक है, यानी कि इसको हम बोलेंगे रेज ऑफ लाइट। अब होता क्या है कि जैसे ही रेज ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, ये सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है हमारे घर का, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मेज कुर्सी टेबल वगैरह, ठीक है, और यहां हमारी आईज है, ये हमारी आई है, ठीक है, तो तब हम बच्चों इसको देख पाते हैं, यानी कि यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है और हमारी आई पर पड़ती है, तो तब हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को सीन यानी कि देख पाते हैं, ठीक है, समझ में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन मीन्स रे ऑफ लाइट, व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल ऑन द, अगर हम मिरर की बात करें, फॉल ऑन द प्लेन मिरर, देन इट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फ्रॉम द मिरर, मोस्ट ऑफ द लाइट फ्रॉम द मिरर। ये तो लगता है बच्चों रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के देखिए, सपोज वी हैव ए मिरर एंड ये जो पार्ट है उसका मिरर का प्लेन मिरर है, ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर सबके घरों में होता है, तो उसका एक जो भाग है वो पॉलिश के होता है, ठीक है, पॉलिश भाग, हाईली पॉलिशिड पार्ट, और यही इस पार्ट को हम बोलते हैं ओपेक। एक तरफ से कुछ भी दिखाई नहीं देता, यानी कि जो लाइट आती है, जैसे ये लाइट आई, रेज ऑफ लाइट फॉल होती है तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है मिरर से, ठीक है, प्लेन मिरर से। अब अगर मैं कहूं कि ये लाइट आती है और यहां से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये इस तरफ क्यों नहीं जाती या इस तरफ क्यों नहीं जाती, ठीक है, तो बच्चों इसके लॉज हैं, ठीक है, नियम हैं। सबसे पहला जो लॉज है वो हम करेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिव, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, आई का मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जिस एंगल से लाइट, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ये फॉल होती है मिरर पर और ये बच्चों है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल यानी कि हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया हमने, ठीक है, मिरर पर, तो इस नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रेज जो एंगल बनाती है वो एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस से लाइट फॉल होती है उतने ही एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि और जो लाइट जाएगी उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि लाइट अगर हम सपोज करो 30 डिग्री एंगल से फॉल हो तो 30 डिग्री एंगल से ही क्या होगी, रिफ्लेक्टेड होगी, यानी कि वो लाइट यहां से नहीं है, ठीक है, ये हमें याद रखना
पड़ेगा रूल है के एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो ये हमारा फर्स्ट रूल बोलता है, ठीक है। सेकंड रूल क्या है बच्चों हमारा, सेकंड जो लॉज है वो क्या है, इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज ऑलवेज लाई, ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन, सेम प्लेन, ठीक है। अब सेम प्लेन का मतलब क्या है बच्चे, यहां पर बच्चे बड़े ही कंफ्यूजन में पढ़ते हैं कि प्लेन हम कैसे समझे। देखिए यहां से लाइट आई और फिर ऐसे रिफ्लेक्टेड हो, आप इसको कैसे समझोगे। देखिए अगर यहां देखें हम तो ये हमारा ये प्लेनस सेम प्लेन, इसको बोल रहे हम सेम प्लेन, और ये हमारा मिरर है, इसको अगर हम मिरर को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, ये मिरर रखा है, तो ये मिरर रखा है और ये प्लेन है, ठीक है। मतलब मैं इसको कैसे शो करूं, ये मिरर है और लाइट जाएगी ऐसे और ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्टेड रेज, इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, आया समझ में। तो जैसे हम बॉल को फेंकते हैं, ठीक है, बॉल को हम फेंकते हैं, बॉल फेंकेंगे और बॉल ऐसे टकरा के सीधी जाएगी, ठीक है, वो प्लेन होता है बच्चों, ये प्लेन है। अगर आपकी तरफ देखें तो ये बॉल ऐसे, इसको हम प्लेन बोलेंगे। मतलब ये लाइट अगर यहां गई तो ये लाइट ऐसे इधर नहीं जाएगी ना इधर मुड़ेगी, ठीक है। तो ये लाइट मतलब अगर ये वापिस आएगी तब भी सेम प्लेन में आएगी, अगर रिफ्लेक्ट होगी तब भी सेम प्लेन में आएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो है ऐसे समझ सकते हैं, ये हिस्सा जो है हमारा वो सेम प्लेन है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा प्लेन, यानी कि हमारा सेकंड लॉ क्या है, इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है बच्चों। ओके, उसके बाद क्या है, अगर हम देखें कुछ क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये निकालने, तो हम कैसे निकालें। देखिए ये हमारे पास मिरर है, ये हम क्या दिखाते हैं, ओपेक दिखाते हैं, ठीक है, और ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री एंगल, ये नॉर्मल होता है। अब लाइट फॉल करती है, देखिए कुछ एंगल से, ठीक है, लाइट फॉल करती है, ये लाइट फॉल करती है, तो हम इसको कैसे मेजर करें। अगर हमें इस एंगल का पता है, ठीक है, सपोज करो ये 45 एंगल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा आसानी से निकल जाएगा। अगर हम इस एंगल को हम मेजर कर लें तो कैसे करेंगे, देखिए आई प्लस 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों एंगल है किसका इक्वल है, सम ऑफ द 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा बच्चों, 45 डिग्री होगा, क्योंकि हमारा ये जो फर्स्ट लॉ है वो बोलता है, ठीक है। तो यानी कि ये एंगल ऑफ नॉर्मल, मैंने पहले बताया था नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ठीक है, ये क्या है इंसिडेंट रे,
इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, आई एंगल बनाएगी, उसको एनसीटू हमारा कितना है 45। तो इसका मतलब 45 डिग्री के एंगल से ही जो लाइट है वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, क्या होगी बच्चों, रिफ्लेक्ट। सेकंड केस क्या है, अगर लाइट नॉर्मल की डायरेक्शन से पड़ती है ऐसे, ये आई मतलब परपेंडिकुलर अगर फॉलो किया, ठीक है, क्वेश्चन आता है कई बार पेपर में कि अगर लाइट नॉर्मल टू द मिरर फॉलो की है तो तब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। तो तब देखिए बच्चों, अगर हम ऐसे लाइट को फॉल करेंगे तो यहां देखने से क्या पता चलता है कि आई हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है हमारा, जीरो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, वो भी जीरो होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि जीरो होने का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में लाइट फॉल होती है सेम डायरेक्शन में क्या होगी, लाइट रिफ्लेक्ट होगी सेम डायरेक्शन में। तो इस केस में हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो। तो ये है बच्चों हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो जैसा सरफेस होता है उसी हिसाब से रिफ्लेक्शन भी वैसा ही होता है। मतलब कहने का क्या है, हमारे पास एक तो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या मतलब है बच्चों इसका, रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, अगर हमारा जो सरफेस है वो स्मूथ है, कैसा सरफेस है, स्मूथ है। स्मूथ होने का मतलब क्या है कि लाइट, अब जैसे हमारा ये बोर्ड है, ये कैसा है हमारा, ये सरफेस हमारा स्मूथ है। ठीक है, अगर मैं ये देखूं तो ये मतलब अगर इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा रफ सरफेस होगा। ठीक है, रफ सरफेस को हम कैसे दिखाएंगे, ये हमारा क्या होगा, रफ सरफेस। ठीक है, तो अगर हम देखें इंसिडेंट लाइट को अगर फॉल कराएं और ये क्या है, पैरेलल लाइट है, क्या है, पैरेलल इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और सबके ये नॉर्मल है। देखो ये इस लाइट का अगर नॉर्मल रहता है, ये इसका है नॉर्मल है, ये हो गया नॉर्मल। ठीक है बच्चे, ये नॉर्मल एंड तो लाइट फॉल होगी। अब कितना एंगल है, सपोज करो ये एंगल हमारा आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उतने ही एंगल से क्या होगी बच्चों, रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, उतने एंगल से मतलब के लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ये एंगल हमारे क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, समझ में आया, लाइट बराबर बराबर सेम टाइम में क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और डायरेक्शन भी एक ही डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ऐसा नहीं। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि इसमें तो जो लॉ है हमारा यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल अप्लाई होता है, और इस केस में उनके दिमाग में आता है कि यहां पर यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि वो अप्लाई होगा या नहीं। तो यहां देखिए, सपोज करो अगर यहां लाइट फॉल होती है, ठीक है, ये नॉर्मल है, तो ये लाइट इस तरफ जाएगी। ठीक है, और कई बार देखिए यहां एंगल ऑफ, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कई बार क्या अगर लाइट यहां फॉल करती है तो ये सरफेस, ठीक है, और इस सरफेस को अगर हम देखें तो
तो ये तो परपेंडिकुलर की तरह लग रहा है, तो यहां से इंसिडेंट भी यही होगी और रिफ्लेक्शन भी होगी, इसका मतलब इसका नॉर्मल यहां है। तो इस केस में आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। अच्छा अगर हम यहां देखें, ये सरफेस है, तो यहां देखें, ठीक है, यहां पर है रिफ्लेक्शन। अब यहां अगर हम नॉर्मल ये लें तो तब एंगल, यानी कि छोटा एंगल बन रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां भी क्या हो गया? बराबर हो गया। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि जो हमारा फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो यहां पर लागू नहीं होगा, यहां पर भी वो लागू होगा, बट यहां पर क्या है कि उनकी डायरेक्शन सेम नहीं होने की, ठीक है। और लाइट का जो डिस्टेंस है यहां तक, अगर लाइट, अगर हम देखिए सेम पॉइंट से मिरर से लाइट फॉल हो रही है, तो यहां तक का डिस्टेंस उसका क्या है? कम है। और यहां तक का डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। तो ये मतलब के थोड़ी सी बाद में रिफ्लेक्ट होगी और ये पहले रिफ्लेक्ट होगी। इरेगुलर है, यानी कि जो हमारा रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, तो इसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और जब एक साथ मतलब लाइट पड़ेगी और पैरेलल लाइट उसी टाइम मतलब उतने ही एंगल से रिफ्लेक्शन होगी, तो उसको हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये हमारी क्या हो जाती है बच्चों? इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। कब होगी? जब हमारा जो सरफेस होगा वो रफ सरफेस होगा। अगर हमारा सरफेस कैसा है? स्मूथ सरफेस है, तो वो रेगुलरली क्या करेगा? रिफ्लेक्शन करेगा, ठीक है, रेगुलरली क्या करेगा? रिफ्लेक्शन। तो ये थे बच्चों आज का कुछ बेसिक रिफ्लेक्शन के बारे में। तो इस जो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बिल्कुल आपको आसान तरीके से बिल्कुल समझाया जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो और नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे कि किस प्रकार की इमेज है जो वो प्लेन मिरर से कैसी इमेज बनती है, स्फेरिकल मिरर से किस प्रकार की इमेज बनती है, तो हम वो करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही।